सुरा सुरा सेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्य वाचि मे सदा सरस्वती नृत्य तो वाचि में सदा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एन के स्टूडियो में प्यारे शिक्षार्थियों आप सबका पुनः स्वागत अभिनंदन मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी से आपके मध्य उच्चतर माध्यमिक कक्षा के वेदाध्ययन पाठ्यक्रमांतर्गत छब्बीसवें पाठ जो पणि संवार सूत्र के रूप में है उसके प्रथम भाग के अध्ययन के लिए उपस्थितं भारतीयजीवन से आध्यात्मकजीवन से प्राणभूता वेद सी यहां जीव तथा वेद् विना धर्माद अतएव इहामुष्कल विचारे वेद सर्वश्रेष्ठ स च वेद भगवत निःश्वासभूत अतः अपौरषेयच्य स वेद पुनः चतुर्ध विभक्त ऋग्यजुस्म अथर्वेण त्र ऋग्वेद सेशमंडल अष्टाइकशतम सूक्त सरवापणिंवाद सूक्त अस्तमेक अत्यम प्रसिद्ध संवाद सूक्त यो कथाध्यम चर्चा प्रचल अस्ट पाठे इदमें सूक्त वो पठा पढ़ भारतीय जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों के प्राणभूत वेद हैं जिस प्रकार प्राण के बिना जीव की स्थिति होती है उसी प्रकार वेदों के बिना धर्मादि की स्थिति भी होती है अतएव इहामुष्मिक फल विचार में इहामुष्मिक का तात्पर्य हुआ यह लोक में कर्म का फल और आमुष्मिक मतलब अन्य लोक स्वर्गलोक का फल दोनों के फल विचार में वेदों का स्थान सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वीकृत किया गया है वस्तुतः अथर्ववेद को इहामुष्मिक फल प्रदाता ऐसा कहा जाता है अन्य वेदों के मंत्र केवल आमुष्मिक फलों के प्रदायक हैं आमुष्मिक फल के उपाय को प्रदर्शित करते हैं किंतु अथर्वेद आमुष्मिकन सन यह लोकस्यापी फल विचार करोती वो वेद भगवान के निश्वासभूत हैं किन्हीं ने भी इन वेदों की रचना नहीं की अतएव वेद अपौरुषेय कहे जाते हैं वह वेद चार भागों में विभक्त हैं ऋग यजु साम और अथर्व के रूप में उसमें ऋग्वेद के जो कि सर्वप्रथम वेद है और विश्व साहित्य का भी प्रथम ग्रंथ की उपाधि जिसे प्राप्त है ऐसे स्तुत्यात्मक ऋग्वेद के दसवें मंडल के अष्टाधिक शतम एक सौ आठ सूक्त जो है एक सौ आठ क्रमांक का सूक्त सर्मापणि संवाद सूक्त के नाम से है यह सर्मापणि संवाद सूक्त अत्यंत प्रसिद्ध है और सभी संवाद सूक्तों में इसकी प्रसिद्धि विशिष्ट रूप से है जहाँ शर्मा और पणि कथा के माध्यम से आपस में चर्चा करते हैं अस्मिन इस पाठ में हम लोग इसी शर्मा परिसंवाद सूक्त का विस्तार से अध्ययन करेंगे इसके शर्मा परिसंवाद सूक्त के अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं सर्मापणिसंवाद सूक्त के अध्ययन से इन सूक्तों में प्राप्त संहिता मंत्रों का पाठ तथा पद पाठों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और सूक्त के मंत्रों का अन्वय करने में आप समर्थ हो सकेंगे और समवापणि संवाद सूक्त के व्याख्यान के लिए आप योग्य हो सकेंगे और स्वयं भी आप मंत्रों के अर्थों को बनाने का मंत्रों के अर्थ व्याख्यान का प्रयास करने में समर्थ हो सकेंगे प्रथम मंत्र है सर्मापणि संवाद सूक्त का ओम किड्डूरे ह्यश्वा ह्यध्वा जगुरी परा चयी का स्मेहही का का परितक म्यासीत कथम रसाया तरफ पयांसी पुनरेक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ कि मिच्छंती सरमा प्रेदमान दूरे यद्वा जगुरिह पराजयि कास्मे हितिह का परितक म्यासीत कथम रसाया तरफ यह मूल संहिता पाठ हुआ इसका पद पाठ इस प्रकार किया जाता है किम इच्छन्ति सरमा प्रइदम आनट दूरे ही अथवा जगुरी पराजय का अस्मेहित का पैतक्म्या आसीत कथम रसाया अतर यह पद पदपाठ संपन्न हुआ इसका सरलार्थ इस प्रकार है अत्र पणि प्रति कथयति कथयती किमर्थम अत्र आगतवती इदंत बहुत दूर आगमने अगमने यदि दिशि दृष्टि निक्षिपे तरी अगमनमसंभव आसत मे समी तबृशी की कं वस्तु दीये ये लाभायर आगतवती अस्त कीदृश्यागतवती नद्या जलम कथम उत्तीर्णवती अस्त अर्थात शर्मा के संवाद में पणि शर्मा को बोलता है जब शर्मा नाम शर्मा एक इंद्र की दूति का नाम है वह इंद्र की दूती शर्मा जब पणि के पास आती है तो पणि पूछता है कि आप कैसे यहाँ पर आई हमारे स्थान में आप कैसे प्राप्त हुई या तो इंद्रलोक से बहुत दूर है बहुत दूर स्थान में है यहाँ आगम आने में के समय आप यदि अपने पीछे की दिशाओं को देखते तो आपको यहाँ आना असंभव हो सकता था मेरे समीप ऐसी क्या वस्तु है मम समीपे तावत किम तादृशम वस्तु विद्यते मेरे समीप मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको प्राप्त करने के लिए आप यहाँ आई हैं और कैसी रात में आप यहाँ आई हैं नदी और जल इन लोगों को कैसे आप उत्तीर्ण की आपके यहाँ से हमारे स्थान के मध्य विविध नदियाँ हैं जल का स्रोत है उन नदियों को जल रूपी नदियों को आप कैसे उत्तीर्ण होते हुए पार करते हुए यहाँ तक आई हैं यह संवाद में प्रथम पणि के तरफ से प्रश्न रूप में संवाद किया गया इसका उत्तर अग्रिम मंत्र में शर्मा देती है अग्रिम मंत्र है इंद्र से दूतिशिता चरा पणयो ईंपण निधीन्व अतिकसा तन्न आवत् तथा रसाया अतरंपयांसि पुनः एक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ इंद्र से दूतिर्षिताचरा मह पणयो निधीन्व अतिदा सा तन्न आवत्था रसाया अतरपयांसी यह मूल संहिता पाठ हुआ इसका पद पाठ इस प्रकार किया जाता है इंद्रिया दूती ही इशिता चरामी महा वहा भियसा तम नहा आवत तथा रसाया अतरम पयाम यह पद पाठ संपन्न हुआ मंत्र का इस प्रकार है सर्मा उत्तर वाक्य में कहती है के द्वारा विविध अनेक प्रश्नों को किए जाने के पश्चात के प्रश्नों का उत्तर देते हुए शर्मा कहती है हे पणय इंद्रत दूतीरूपेण अहम आगतवती भाव यद गोरूप धन संचन अहम तत्त जलमे मरक्षत जल्द भीति आसीदेव परंतु तम उलंघ्य आगतवतीमहम नदीम उत्तीर्य आगतवी अस्म इंद्रपणी के द्वारा शर्मा को जितने प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर के रूप में शर्मा ने कहा इंद्र की मैं दूती हूँ और दूध के रूप में मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे इंद्र ने दूध बना करके भेजा है क्यों भेजा तो आपने जो गौ रूप धन इकट्ठा किया है इंद्रलोक से चोरी करके आप जो गौ रूप धन को ले आए हैं मैं उस वापस गौधन को ग्रहण करना चाहती हूँ और मैं जल के रास्ते से आई जल हमारी संरक्षण किया जल ही मेरा रक्षा किया और जल की भीति तो थी जल से मैं भयभीत थी परंतु वह जल ही हमारा रक्षा किया मैं उस जल को उल्लंघ उल्लांघ कर आई हूँ मैं जल को पार करके आई हूँ और इसी प्रकार मैं नदियों को भी पार करते हुए यहाँ आप तक आई हूँ यह प्रथम संवाद द्वितीय संवाद प्राप्त हुआ पुनः अग्रिम मंत्र है की सर मेकादृशी का धूतिरसर परकाका आचगचा मित्रेना दधाता था गोपतिर्नो मैं पुनर एक बार इस मंत्र को पढ़ता हूँींद्र की मेकादृशीकाय से धूतिरसर परकाकाचगचा तथा माथा गवाम गोपतिर्नो भवति इसका पदपाठ इस प्रकार किया जाता है इंद्र सर यस्य यदम दूती असर पराकात आच गच्छत मित्रम एनम दधाम अथ गवाम गोपति ही न भव भवाती ऐसा पदपाठ इस प्रकार किया जाता है इसका सरला ऐसा है पणि पुनः शर्मा के प्रति कहता है यस्य दूती यद्रया दूतीरूपेण आगतवती स इंद्र कीदृश अस्ती तस् किियान पराक्रम क्य सैना अस्मा रक्षत इंद्रमित्रूपेण अंगीकर्तं वो प्रस्तुता स इंद्र तासाम तासा भवतु पणि कहता है आप जिस इंद्र की दूती बन करके यहाँ पर आई हो वह इंद्र कैसा है उसके कितने पराक्रम हैं कितनी कैसा उसका पराक्रम है कितनी उनके सेनाएं हैं इंद्र जो है हम सभी की रक्षा करें इंद्र मित्र के रूप में हमको स्वीकार करते हुए हमारा संरक्षण करें हम लोग इंद्र को मित्र के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं वह इंद्र हम लोगों से गऊ को लेकर के तासाम अधिपति उन गौओं का अधिपति बने यह पणि के द्वारा संवाद प्रा हुआ पुनः अग्रिम मंत्र अगले पाठ में बताया जाएगा धन्यवाद